नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडे से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडे प्रखंड कार्यालय में मनरेगा जेई को नहीं बैठने से लाभुकों ने जताया विरोध। कहा जेई 5% कमीशन लेकर भी समय से नहीं करते काम। डंडे प्रखंड के मनरेगा जेई मुकेश दुबे को प्रखंड कार्यालय में नहीं बैठने से मनरेगा लाभुकों को योजनाओं का कार्य कराने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर डंडे प्रखंड कार्यालय पर गुरुवार को दर्जनों लाभुकों ने विरोध जताया है। विरोध जता रहे ग्रामीण नारायण सिंह, अनीश प्रजापति, गोरख पासवान, उदय कुमार सिंह, देव कुमार प्रसाद, देव पूजन सिंह, अशोक साहा, उमेश सिंह, उदय प्रजापति, संजय सिंह, रामजन्म सिंह, जितेंद्र सिंह सहित अन्य ने आरोप लगाते हुए बताया कि मनरेगा के जे मुकेश दुबे भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए हैं। 5% कमीशन लेने के बावजूद भी डंडे प्रखंड कार्यालय में बैठकर लाभुकों का काम नहीं कर रहे हैं। वे लाभुकों को गढ़वा स्थित अपने आवास पर कार्य को कराने के लिए बुलाते हैं। वही अधिकतर लाभुकों को मजबूरन कार्य कराने के लिए उनके दरवाजे का ताला खटखटाना पड़ता है। 5% कमीशन लेने के बावजूद भी वे समय से काम नहीं करते हैं। मुकेश दुबे प्रखंड कार्यालय पर नहीं बैठते हैं, जिसके कारण हम लोगों को गढ़वा स्थित उनके आवास पर हम लोगों को मजबूरन जाना पड़ता है और वहां पर योजना का 5% कमीशन लेने के बावजूद भी वे दादागिरी दिखाते हैं। कार्य करने में आनाकानी करते हुए टालम टोल करते हैं और मैनडेज भी भारी कटौती कर दी जाती है। वही जेई के कारनामे से आतुर होकर मनरेगा लाभुकों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमाव राव को लिखित शिकायत करते हुए उनकी बदली कराने की मांग की है। इस मौके पर कृपा शंकर ठाकुर, संजय कुमार, सूर्यदेव सिंह, तेजबली गुप्ता, विश्वम्भर सिंह, रंजीत सिंह, शिव पूजन साहा सहित कई लोग उपस्थित थे। कुमार प्रजापति के मुकेश कुमार दुबे जो जेई है वो हम लोग के ब्लॉक पर डंडे प्रखंड पर नहीं बैठते हैं। हम लोग के जाने में प्रॉब्लम होता है। हम लोग वहाँ जाते हैं 200 रुपया खर्चा करके, वहाँ भी जाने के बाद 4 घंटा रुकना पड़ता है। कहते हैं जो अभी आ रहे हैं 2 घंटा में, 1 घंटा में हम लोग के साइन नहीं पड़ता है। हम लोग काम करते हैं दिन भर तो 225 रुपया कमाते हैं, 225 रुपये में 200 रुपया चला जाता है, 25 रुपये बचता है। बताइए हम लोग के पेट कैसे चलेगा। और नहीं करने पर ज़्यादा बोलते हैं तो कहते हैं जो 2-4 गो गुंडा बुलाएंगे तो उन लोग के गोली मरवा देंगे, ये बात बोला जाता है। कमीशन के जैसे बात बोल रहे हैं, कितना कमीशन लेते हैं? कमीशन 5% लेते हैं। 5% कमीशन? हाँ, 5% लेते हैं। कमीशन देने के बावजूद भी साइन नहीं करते हैं। हम लोग से ब्लॉक कर्मचारियों से आग्रह है कि हम लोग के असुविधा है, हम लोग डंडे प्रखंड ब्लॉक में मनरेगा के लाभुक हैं आप? हाँ, लाभुक हैं। क्या योजना है आपका? हमको हम कराए थे कुआं कराए थे। अच्छा, तो हम चाहते हैं जो डंडे ब्लॉक में ही आए, डंडे ब्लॉक में हमको सभी कर्मचारियों से काम हो, हमको गढ़वा डाल्टन गजा पलामू जाने की कोई आवश्यकता न पड़े। मैंने जैसे आप गढ़वा बुलाते हैं सबको? हाँ, गढ़वा बुलाते हैं अपने डेरा में। अच्छा, अब बुलाने के बाद कहते हैं पैसा दो, नहीं देते हैं तो कहते हैं साइन नहीं करेंगे, देते भी हैं तो कहते हैं 4 घंटा रुको, चाय पी के आते हैं तो लैट्रिन करके आ जाते हैं, तो यहाँ ये काम करते हैं वो काम करते हैं, फिर भी साइड नहीं करते हैं। हम लोग एक दिन गए थे 6 बजे गए थे, 6 बजे जाने के बाद 10 बजे रात में साइन करवा के आए थे। तो उस दिन कितना पैसा लिए थे? उस दिन जो उनका कमीशन बना था 4000 रुपया दिए थे हम। अच्छा, हाँ, कुआं योजना है ना? हाँ, कुआं योजना। ठीक है, कहाँ घर होगा आपका? हमको पचौर में है घर, पचौर। क्या योजना है आपका? हमारा है कुआं है, तालाब है, TCB वगैरह है। अच्छा अच्छा, वहाँ जाते हैं गढ़वा तो कभी भेंट होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो किनके पास जाते हैं? मुकेश दुबे के पास, जय हमारा है। अच्छा, जाते हैं तब भेंट होते हैं, कभी भेंट होने के बाद बोलते हैं कि जा आवाज नहीं होगा कल आना, तो हम लोग के नुकसान होता है। प्लस में पैसा ले लेने के बाद हाजिरी काट देते हैं आदमी के, जैसे 20 आदमी के मास्टर रोल निकला, इसके बाद 10 गो के काट देते हैं, 5 गो के काट देते हैं। अच्छा, हम लोग के समस्या बहुत है, इसके बारे में हम लोग दूसरा जेई मांग रहे हैं डंडे ब्लॉक। अच्छा, तो अभी फिलहाल में क्या काम कराने गए थे बताइए? अभी फिलहाल में गए काम कुआं का। कुआं का जी? कितना पैसा दिए? पैसा हम दिए हैं 6000। 6000 रुपये जी? तो काम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। 6000 देने के बाद? अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, जाओ खनवा के आओ फिर से। अच्छा अच्छा, खनवाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, मैंने दोबारा के फलन कर दिए हैं। तो खनवाए हैं कि नहीं? खनवाए हैं सर। फिर बोल रहे हैं उसी पर खनवाइए इसके बाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पचौर के। चलो ठीक। हाँ, जो कि 30 तारीख हमारा डिमांड पूरा था 10 लेबर के, जिसमें कि साइन कराने उनके पास गए। तो किनके पास साइन कराने गए? मुकेश दुबे जय के पास गए। अच्छा, तो वो बोले कि काम हुआ? हम कहे सर हाँ काम हुआ है। तो बोले कि हम नहीं बनाएंगे, अभी कुएं में काम नहीं लगाया जा रहा है। सर हम काम किया है, उसमें DPR फिर जो है BPO फोटो रिसीव किया, सारी प्रक्रिया हुआ, हमारा डिमांड निकल है करना है। तो 5 गो के काट दिए, 5 गो के भरे हैं,
उसमें हम बहुत अनियमितता देख रहे हैं और उनसे मैंने वार्तालाप किए कि सर आप जांच कर लीजिए, तो बोले कि बेसी नहीं बोलना है, हम जो कह रहे हैं सुनिए, नहीं तो इन्होंने बनाएंगे। 5 लोग बना दिए, 5 लेबर का मेरा भुगतान खत्म हो गया। योजना काम कराने के लिए गढ़वा जाना पड़ता है बार बार। अब वहाँ जाने के बाद भी अभद्र बात बोलते हैं, उनसे तर्क वितर्क करने के बाद बोलते हैं कि सीधे निकल जाइए, रूम से निकल जाइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पचौर पंचायत के, हमारा पचौर घर में। ठीक, बोलिए क्या समस्या है? मेरा नाम हुआ नारायण कुमार सिंह, ग्राम पचौर, पंचायत पचौर। हमारे नरेगा के जय मुकेश दुबे हैं, जो कि हम लोग के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और डिमांड निकलता है तो उसमें काटते हैं और पीसी मांगते हैं। तो मैं खासकर पत्रकार बंधु से, सरकार से मांग करता हूं कि जो जितने भी पीसी का पैसा लिए हैं वह जांच कराया जाए। उनके कितना पीसी लेते हैं योजना में बताइए? कौन योजना में कितना लेते हैं? 5% लेते हैं। 5%? हाँ। अच्छा, और पीसी लेकर के करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिए हैं। गढ़वा में लगभग 50-60 जगह में जमीन खरीदे हैं। धंधे प्रखंड कार्यालय में नहीं आते हैं वो? नहीं आते हैं। कहाँ लोग लाभुकों कहाँ बुलाते हैं? डेरा में बुलाते हैं पैसा लेकर। कहाँ डेरा में? चिनिया रोड में है, चिनिया रोड गढ़वा। हाँ। अच्छा अच्छा, इससे आप लोग परेशान हैं? परेशान है, जाने के बाद तुरंत भेंट नहीं करते हैं, कहेंगे जा घूम के आवा, चाय पी के आवा, थी नहा थी, लेटरिन लागल बा, तरह तरह के बात बताते। वैसे बतियाएगा तो कहता है कि मलांग चार को लेकर के गोली बंदूक वाला बात करते हैं, और मैंने इस तरह से डरवाते हैं और कहते हैं कि नहीं ब्लॉक में जाएंगे तो का उखाड़ लीजिएगा, इस टाइप के बात बोलते हैं। इसलिए हम लोग त्रस्त हैं। अब हम लोग पचौर पंचायत के जनता सब मांग करते हैं कि हमारा दूसरा जय दिया जाए और उससे हम लोग का काम करने में सहूलियत मिले, इतना ही बस। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखण्ड।